आज के इस वीडियो में मैं आपको पे नियर बाय DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सेवा के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सेवा देकर आप अपनी शॉप से ही बैंकिंग काउंटर चला सकते हैं। इससे आपकी एक्स्ट्रा कमाई भी होगी और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पर किसी बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए आएगा तो इस पर आपको कमीशन भी मिलेगा और वो आपके किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस को भी यूज कर सकता है। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सेवा के थ्रू आप एक्स्ट्रा कमाई के साथ साथ ही अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पे नियर बाय DMT सर्विसेज शुरू करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पे नियर बाय के साथ 15 लाख से ज्यादा भारतीय रिटेलर्स जुड़े हुए हैं। अगर आप दिन के सिर्फ 5 मनी ट्रांसफर करते हैं तब भी आप 3,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। आप अपने कस्टमर्स को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सेवा पब्लिक हॉलीडेज और संडेज को भी दे पाएंगे। कस्टमर्स को आप SMS या प्रिंटेड रिसिप्ट के द्वारा पेमेंट ट्रांसफर की कंफर्मेशन दे सकते हैं। NPCI के साथ पे नियर बाय की डायरेक्ट पार्टनरशिप है और सभी मनी ट्रांसफर सुरक्षित है। बैंकिंग सर्विसेज में 99.9% सफलता दर है। पैसे ट्रांसफर होने से पहले बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर वैलिडेशन की भी फैसिलिटी है, यानी किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से पहले आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। पे नियर बाय ऐप या वेब पोर्टल से पोस्टर प्रिंट करके उसको आप अपनी दुकान पर लगाकर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं। पे नियर बाय डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस यूज करने के लिए पे नियर बाय एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मनी ट्रांसफर, इस पर आप क्लिक करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर कस्टमर ने पहले पे नियर बाय सर्विस यूज की है तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन अगर वो न्यू है तो आप रजिस्टर करेंगे, जिसके लिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, कस्टमर का नेम एड्रेस और पिन कोड डालकर नेक्स्ट करेंगे। कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहां डालकर वेरीफाई करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसमें आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर और नेम डालना है, इसके बाद बैंक चूज करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है, इसके बाद आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जितने पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं वो आप यहां पर डालेंगे, IMPS ऑप्शन चूज करेंगे, इसके बाद ट्रांसफर। आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, आप डिटेल्स चेक करेंगे, इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो पैसे आपके वॉलेट से कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा आपको उस कस्टमर के बैंक अकाउंट में जब भी पैसे ट्रांसफर करने हो तो जस्ट आप मनी ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। बिना KYC के आप कस्टमर के बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा ट्रांसफर करना है तो आपको कस्टमर की KYC करनी होगी। KYC करने के बाद आप कस्टमर के बैंक अकाउंट में 2,00,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। KYC करने के लिए आप ऐड KYC पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप एक फिंगरप्रिंट डिवाइस चूज करेंगे जो आपके पास है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां डालेंगे और कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद स्कैन फिंगर पर क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, कस्टमर का फिंगर इस पर रखवाएंगे, ये कैप्चर कर लेगा, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, KYC कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप कस्टमर के बैंक अकाउंट में 2,00,000 रुपए तक ट्रांसफर कर पाएंगे। KYC के बाद चलिए मैं आपको लाइव पैसे ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। मनी ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके सामने कस्टमर की डिटेल्स आ जाएगी, नेक्स्ट करेंगे, कस्टमर का अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप चाहें तो दूसरा अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है, इसके बाद ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, आप डिटेल्स चेक करेंगे और कंफर्म कर देंगे, पैसे सक्सेसफुली कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। व्यू रिसीप्ट पर क्लिक करके आप रिसीप्ट देख सकते हैं और इसको कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप कस्टमर से कैश लेंगे, कितने पैसे ट्रांसफर करने पर आपकी कितनी कमाई होगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1,000 रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो आपका कमीशन रहेगा 4.50 रुपए। अगर आप 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो आपकी कमाई रहेगी 0.48%। इसी तरह से आप यहां स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो इस तरह से आप DMT यानी डोमेस्टिक मनी सर्विस का यूज करके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी शॉप को एक मनी ट्रांसफर पॉइंट बना सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। पे नियर बाय अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे पैकेज परचेज किया जाता है और कैसे इसकी दूसरी सर्विसेज यूज की जाती है, इस पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।